क्रियाकलाप सात। कांच की एक छोटी सी खाली बोतल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें लगाएं और मुंह को सिक्के से ढक दें। अब हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करें और आधे मिनट के लिए बोतल को हाथ से पकड़ें। आपको सिक्का नाचता नजर आएगा। सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? यह गैस का किस प्रकार का प्रसार है? नियत आयतन पर प्रसार या नियत दाब पर प्रसार? प्रश्न, गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है? तीसरा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। दिए गए चित्र का अवलोकन करें और उदाहरणों के साथ समझें। क्रियाकलाप आठ। एक बर्तन में बर्फ के कुछ टुकड़े लें और थर्मामीटर की मदद से इसका ताप नोट करें। जैसे जैसे आप बर्फ को गर्म करेंगे वह पिघलने लगेगी। उसका ताप नोट करते रहें जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाती। अब इस पानी को और गर्म करते रहिए और ताप नोट करते जाएं। जब यह पानी उबलने लगे और भाप में परिवर्तित होने लगे इसका ताप नोट करें। अब अपने अवलोकन का ग्राफ बनाएं। क्या यह ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा? हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है। एक ताप पर पहुंचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिस्थिति में पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने के जगह अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है। चूंकि यह दी गई अथवा पदार्थ से ली गई ऊष्मा ताप वृद्धि में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहला, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के ही 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा l हो तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा q बराबर m गुणित l होती है। द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। दूसरा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस गुप्त ऊष्मा को भी कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ में से ली जाती है।